हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माउंटेन फैमिली की एक और नई वीडियो में। तो आप जैसा कि देख ही रहे होंगे कि मैं कहीं ग्रीनरी में हूँ, गार्डन में हूँ। तो जी हाँ, मैं हूँ अपने मायके में इस टाइम पे, और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है यहीं के ही फार्म का एक छोटा सा टूर। मतलब फार्म टूर मतलब यहाँ पे क्या ग्रो करते हैं हम, कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, कौन सी सब्जियाँ एंड ऑल एट्सेट्रा एट्सेट्रा यहाँ पे उगाया हुआ है, वो सभी का आज करेंगे हम एक टूर। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछली वीडियोस में कमेंट्स किए हुए थे कि आप अपने फार्म के जो जो भी जहाँ जो जो भी आप ग्रो करते हैं उसके बारे में बताइए। तो फाइनली हमने एक कंपाइल करके एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पे ग्रो किए हुए। टाइम बिना वेस्ट किए फटाफट निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फार्म की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या है फार्म में। तो हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा ये पेड़, खुमानी का पेड़, जिसे कि लोकल में शाड़े भी बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर खुमानी का कलर येलो से ऑरेंज हो चुका है, और नीचे देखिए, नीचे ये खुद से ही पक के गिरने लग गई है क्योंकि ये बोल रही है कि अब हो गया है मेरा टाइम, खाना है खा लो, नहीं तो मैं अपने बीज बिखेरने के लिए तैयार हूँ। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पेड़ में, जो कि है इसी के साथ में। ये है नाशपति का पेड़, ये है यहाँ पे नाशपति है, ऊपर आपको दिख भी रही होगी। तो अभी ये जो है ये बिल्कुल छोटी छोटी है, मतलब अभी ही इनकी फ्रूटिंग हुई है, अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा पकने में। तो साइज़ अभी बहुत बड़ा होगा, फिर उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। तो इसी के साथ नीचे की तरफ लगाए गए हैं एप्पल। तो ये पापा ने अभी इसी मतलब अभी लगाए हैं, नए पौधे हैं ये छोटे छोटे, तो कुछ प्लांट्स लगाए हैं एप्पल के। तो इसी के साथ में एक पेड़ आपको पीछे दिख रहा होगा, ये है नेक्टरिन, ये है अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी। मतलब इसकी ये जो है ये भी बिल्कुल ये भी तैयार ऑलमोस्ट होने ही वाली है। कुछ कुछ जो फ्रूट्स हैं इसके वो हो गए हैं रेडिश रेडिश, यानी कि उसको उन्हें खा सकते हैं हम। तो ये जो है तो ये है नेक्टरिन। नेक्टरिन जो है वो है प्लम और एप्रिकॉट का हाइब्रिड है, ये नेचुरली ही बना है, नेचर में ही, मतलब नेचुरली नेचुरल कंडीशन में ही बना है, मतलब किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो ये नेक्टरिन जो है ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मतलब एक मिक्सचर बोल सकते हैं आपको, प्लम और एप्रिकॉट का जो टेस्ट होता है ना, मतलब बिल्कुल वही चीज़ है। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है, कुछ कुछ फ्रूट्स इसके पक चुके हैं, ये मैं निकालती हूँ, ये रेडिश हो चुके हैं और ये खाने के लिए तैयार है। इसमें थोड़ी सी यहाँ पे गम निकल गई है क्योंकि इसमें ज़रा भी स्प्रे नहीं की जाती है, और ज़रा भी इसमें पेस्टिसाइड या केमिकल या फिर फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं डाला जाता है, इसलिए ये नेचुरली अपना नेचुरल डिफेंस कर रही है। तो ये नेचुरल फ्रूट है, तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें ये जो दाग धब्बे जो हैं ये तो नेचुरली हर एक प्लांट जो है अपने सेल्फ डिफेंस में करता है। तो इसके टेस्ट करके देखती हूँ क्योंकि, और पहले मैं जय करूँगी अपने देवी देवताओं को क्योंकि मेरे ख्याल से इसका ये जो फर्स्ट इस सीज़न का फर्स्ट फ्रूट जो है मैं खाने वाली हूँ, तो जय हो। हल्की सी खटास है बाकी ठीक है। मेरा भी मन करता है यार कैमरे के पीछे बैठ के, थोड़ी ना मैं सोता रहूं। कहाँ है खट्टा, अब तो मीठा हो गया यार तेरे बाद सच्ची। तो यहाँ पे साथ में एक छोटा सा पेड़ है, ये है जापानी फल का, जापानी यानी पर्सिमन जिसे कहा जाता है। तो जापानी फल का छोटा सा पेड़ है, और भी बहुत सारे 5-6 पेड़ हैं, वो काफ़ी बड़े हैं, ये वाला छोटा वाला है क्योंकि ये बाद में लगाया गया है। तो इसमें आपको छोटे छोटे से फ्रूट्स दिख रहे होंगे, फ्रूट्स कम फ्लावर्स हैं अभी इनकी, मेरे ख्याल से सेटिंग कुछ कुछ फ्लावर्स अभी फ्लारिंग में है, कुछ कुछ ये जो ब्राउन हो गए हैं इनकी सेटिंग हो चुकी है, फ्रूट की सेटिंग हो गई है।
पॉलिनेशन के बाद में यहाँ जैसे आपको फ्लावर भी दिखेगा, एक इस तरह का कुछ फ्लावर होता है इसका। ऑलमोस्ट इसकी सेटिंग हो चुकी है, फ्रूट सेटिंग। ये जितने भी हमारे होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग के लिए यूज़ किए गए प्लांट्स हैं, ये सारे जो है पेस्टिसाइड फ्री हैं, फर्टिलाइज़र और केमिकल फ्री है बिल्कुल। पहले ये जो फ्रूट्स होते थे इनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, तो यहाँ के लोग तो लोकली खाते ही थे, वो खुद के लिए खाते थे। तो अब जो है बाहर के लोग भी इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके बारे में काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, तो इसकी डिमांड जो है इंक्रीज़ हो रही है, और इसीलिए यहाँ के लोकल फार्मर्स जो हैं वो धीरे धीरे जो है पर्सिमन की खेती भी है करने शुरू कर दी है। तो यहाँ पे भी घर में बात करूँ तो पापा भी मतलब जो भी हमारे पास ट्रीज हैं इसके पर्सिमन के 5-7 जितने भी पेड़ हैं वहाँ से वो सारी जो है कमर्शियली बेचते भी हैं। तो ये 2-3 पेड़ अपने खाने के लिए रखे हैं, बाकी सारे कमर्शियली बेचते हैं। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ, थोड़ी लोकेशन हम चेंज करेंगे, थोड़ी दूसरी लोकेशन जाएंगे जहाँ पे थोड़े और प्लांट्स हैं। तो चलती हैं, चलते हैं। और यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे सनफ्लावर्स लगाए हैं। तो यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये है प्लम के पेड़, यहाँ पे प्लम भी लगे हुए हैं, इसको हम लोकली जो है वो बोलते हैं पलम। तो यहाँ पे आपको हरे हरे प्लम दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स रखे हैं, कुछ वैरायटीज़ रखी है। मैरीपोज़ा की वैरायटी है, मैरीपोज़ा प्लम है ये। तो एक चीज़ बताऊँ, जब हम छोटे हुआ करते थे तो यहाँ के जितने भी लोकल बच्चे हैं वो सब जानते होंगे कि हम सब क्या करते थे, कि जो ये हरे हरे प्लम्स होते हैं ये खट्टे बहुत होते हैं, तो इनको स्कूल आते जाते जो है इनको निकालते थे और नमक डाल के खाते थे, पर ज़्यादा खा ले तो पेट भी ख़राब हो जाता था। बट हम सारे लोकल बच्चे ये करते ज़रूर थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और प्लांट, वो है लुकाट का। ये रहे लुकाट के फ्रूट्स और ये रहा लुकाट का प्लांट। तो लुकाट ये मतलब एक्चुअली इसका सीज़न आउट भी हो चुका है, जो बहुत सारे लुकाट तो हम खा भी चुके हैं। अब ये जो ऊपर ऊपर काफ़ी ऊपर ऊपर के वाले जो लुकाट है वो बचे हैं, तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। ये रहे लुकाट के फ्रूट्स, कुछ इस तरह के होते हैं। अभी थोड़ा ग्रीन ग्रीन है, बिल्कुल येलो हो जाएगा तो ये मीठा हो जाएगा। अभी ग्रीन ग्रीन है, इसमें तो खट्टा खटास है। ये साथ में लगा है गिलोय का की बेल लगी है। गिलोय की बेल जो है ये पूरी यहाँ पे टंकी के ऊपर नीचे सब जगह है, मतलब टंकी में फुल तरह से फैली हुई है। इसकी बार बार कटिंग करनी पड़ती है क्योंकि ये टंकी को बिल्कुल एकदम ढक देती है और पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे नीचे कुछ है भी ढांचा। गिलोय जो है आजकल के टाइम पे बहुत ही ऑन डिमांड है, क्योंकि गिलोय की जो मेडिसिनल वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा हाई है। सबको पता है कि गिलोय कितनी सक्षम है कोरोना को हैंडल करने के लिए, कोरोना क्या कोई भी बीमारी हो उन्हें उनके साथ फाइट करने के लिए। तो इसी के साथ में एक हमारा लोकल प्लांट भी है, ये रहा फेगड़े का प्लांट। फेगड़े बोलते हैं हम इसको लोकली, यानी कि फिग, वाइल्ड फिग जो होता है। अब इसको साइंटिफिक नेम बताऊं तो इसका फाइकस पालमेटा है इसका नाम। तो ये फिग है, फिग के ये जो है फ्रूट्स हैं, अब तो ये मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योर से भी आगे पहुंच चुके हैं, सीड्स बिल्कुल पक गए हैं इसके। जब ये बिल्कुल हरे होते हैं, नए नए फ्रूट्स बने होते हैं, तो इनकी फ्रूट्स की है सब्जी बना के खाया जाता है। कहते हैं कि इनके फ्रूट्स, ये जो सब्ज़ी होती है ना, वो साल में बनती एक ही बार है, पर वो हमारे शरीर के जितने भी बीमारियां हैं, लिप्रोसी काइंड ऑफ स्किन डिजीज़ जितने भी होते हैं, वो उसे बिल्कुल ख़त्म करती है, मतलब खून को साफ करती है। तो साल में एक बार खाना इसे हम एक ट्रेडिशन मानते हैं इस चीज़ को। तो ये रहा जापानी का, इस तरफ जो है जापानी का काफ़ी बड़ा पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक केले का एक इकलौता प्लांट है। एक्चुअली जब पुराना घर था हमारा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केले के प्लांट्स होते थे, तो वहाँ से ही एक प्लांट बचा के यहाँ लगाया गया है। ये भी एक्चुअली यहाँ पे फेंक दिया गया था, पर इसने जड़ पकड़ ली और यहाँ पे सेटल हो गया।
ये एक्चुअली जो आप बाज़ार में केले खाते हैं वो वाला केला नहीं है, ये जो है ये वाइल्ड मतलब लोकल केले का प्लांट है। तो ये इसमें जो केले हैं वो इतने मोटे मोटे निकलते हैं, इतने मोटे मोटे, तो वो ठंडे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे कुछ पेड़ जो हैं पापा ने स्पेशली एप्पल के लिए एप्पल लगाए गए हैं, यहाँ आपको ऊपर एप्पल दिख भी रहे होंगे कि वो निकल गए हैं, उनके फ्रूट्स निकल गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। 3-4 एप्पल के पेड़ हैं, सभी पेड़ जो हैं अलग अलग वैरायटी के हैं एप्पल्स की, तो कोई जल्दी मैच्योर होता है, कुछ है, कोई जल्दी है, कोई ग्रीन एप्पल है, कोई रेड एप्पल है, कोई गोल्डन है, तो जितने भी पेड़ हैं सब में अलग अलग वैरायटी है, कोई भी दो पेड़ एक जैसे मैच नहीं करते, तो मतलब हर एक वैरायटी के एप्पल खा सकते हैं। इस साल जो है मम्मी पापा ने एक स्पेशल चीज़ लगाई है यहाँ पे, स्पेशल फ्रूट लगाया है, यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे ये है स्ट्रॉबेरीज, मतलब हम काफ़ी खा भी चुके हैं अभी तक, तो ये स्ट्रॉबेरीज है, अभी फ्लावरिंग में है, 2-3 फसलें खा चुके हैं हम, यहाँ पे छोटी छोटी सी दिख रही होगी नीचे की तरफ को छोटी सी एक, तो यहाँ स्ट्रॉबेरीज है, इसी के पीछे पुदीना लगा हुआ है बहुत सारा लश ग्रीन, इस तरफ भी स्ट्रॉबेरीज है थोड़ी सी, तो हमें यहाँ पे 1-2 स्ट्रॉबेरीज मिल गई हैं ताज़ी ताज़ी लगी हुई खेत में, थोड़ी खट्टी है बट यम्मी। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ हमारे फैमिली के एक्सटेंडेड मेंबर्स, तो यहाँ पे हमारी दो गायें हैं, दो प्यारी, इन्हें मैं गुज्जीज बोलती हूँ। इधर वाली जो है ये बहुत ही एज्ड है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, और दो दूसरी वाली गाय है ये अभी है 3-4 साल की है। तो यहाँ पीछे हमारे पास एक प्लांट चेरी का भी है, तो ये प्लांट जो है ये मैंने लगाया है, मतलब मैं लेके आई थी, खुशी है कि एक प्लांट एटलीस्ट मैंने लगाया है यहाँ पे फार्म में। अभी चेरी इसमें नहीं हुई है क्योंकि कोई भी पेड़ सीड से ग्रो करते हैं तो पहले वो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, उसके बाद जो है फ्रूटिंग वगैरह होती है, मतलब 4-5 साल वो ग्रो ही करता है। ये ग्रो कर रहा है अभी, इसकी फ्रूटिंग मेरे ख्याल से 1-2 साल में हो जानी चाहिए। चलो जब तक शिवोहम थोड़ा बड़ा होगा तब तक ही इसमें फ्रूटिंग हो जाएगी और शिवोहम यहाँ बैठ के फ्रूट्स खाएगा। इस तरफ आपको दिखाती हूँ, यहाँ है ये यहाँ के हमारे लोकल गन्ने, ये बहुत सख्त होते हैं भाई, बहुत सख्त, बहुत हार्ड होते हैं। बचपन में हमारे मम्मी पापा जो है हमारे दांतों की एक्सरसाइज के लिए हमको बोलते थे गन्ने खाओ गन्ने खाओ, तो हर दूसरे या तीसरे दिन हम गन्ने खाते थे, मतलब एक इसका जो एक ये नोड होता है ना, खाते हम इतना ही थे, इतना ही, एक नोड से ज़्यादा हम खा नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती थी दांतों की, तो इतना ही खाते थे नोड टू नोड। अब आ चुके हैं हम अनार के ऑर्चर्ड में, अनार के प्लांटेशन के बीच में, यहाँ पे आपको अनार के प्लांट दिख रहा होगा, इसमें फ्लावरिंग भी हुई है साथ में फ्रूटिंग भी हो गई है, फ्रूट सेटिंग हो चुकी है, कुछ फ्रूट्स अभी अभी ताज़े सेट हुए हैं और यहाँ पे फ्रूट्स बनना भी शुरू हो गए हैं और यहाँ पे अभी फ्लावरिंग ही हो रही है, पॉलिनेशन ही हो रही है। तो ये रहा अनार का, ये है सिंधूरी वेराइटी, सिंधूरी के प्लांट्स हैं ये, बीच बीच में कई कई जगह पे नए प्लांट्स हैं, वो मृदुला के भी हैं और नई वैरायटी के भी हैं, मैक्सिमम जो है सिंधूरी है यहाँ पे। तो ये अनार के 1-2 प्लांट्स हम अपने लिए रखते हैं, बाकी ये मैक्स मतलब मोस्टली जो है ये कमर्शियली ही बेचा जाता है। तो ये अनार के प्लांट्स, यहाँ हम आ चुके हैं अखरोट के पेड़ के नीचे, जो हर वीडियो में आपको दिखता ही दिखता है क्योंकि ये रोड के बिल्कुल साथ में है। तो ये रहे अखरोट के फ्रूट्स, अखरोट अभी छोटे हैं, अखरोट ये बड़े होंगे, इतना बड़ा साइज़ होगा, फिर उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, जैसे मैंने पिछली कई वीडियोस में बताया है कि इसकी हार्वेस्टिंग का एक स्पेशल त्यौहार होता है, तो उस त्यौहार की भी स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे ज़रूर आपके लिए। तो ये अखरोट का प्लांट आ गया, अखरोट का पेड़ हो गया, काफ़ी ये भी काफ़ी पुराना पेड़ है और काफ़ी फैल चुका है, बहुत फुलावट है। कहते हैं कि अखरोट के पेड़ के नीचे जो है कोई भी और
प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो ये बात सच में सच है, और बोलते हैं कि घर के पास इसे लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि घर के आसपास जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी जड़ों से निकलता है जहर, तो ये जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उसे मार देता है। यहाँ पे साथ में ही पिट बनाए गए हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए, कंपोस्टिंग के लिए। यहाँ पे सारी जितने भी वेस्ट मटेरियल है पूरे फार्म का, तो उसे लाके यहाँ पे रखा जाता है, और साथ में जो गाय का गोबर है उसे भी मिक्स किया जाता है और बनाते हैं यहाँ पे कंपोस्ट। कंपोस्ट भी वर्मी कंपोस्ट, मतलब केंचुए की खाद। तो पापा ने स्पेशल ये एरिया बनाया है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, क्योंकि फार्म में कंपोस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जितनी नेचुरल खाद यूज़ करेंगे उतना ही प्रोडक्ट जो है क्वालिटी उसकी सुपीरियर होगी। तो उसी दौरान में बारिश लग गई और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी अब हो रही है, पर फिर भी आपको साथ साथ में जो है फार्म का जो कुछ थोड़े बहुत प्लांट्स बचे हैं वो दिखाते हैं। ये है खट्टे का भुट्टा, तो हम लोकली जो है भुट्टा बोलते हैं। पिछले साल जब इसकी फ्रूटिंग हुई थी तो उसी दौरान खट्टे की हमने एक वीडियो बनाई थी, जो यहाँ पे खट्टा हम ट्रेडिशनली खाते हैं सर्दियों में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन होगा, उस आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये काफ़ी पुराना पेड़ है नाशपाती का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाशपतियाँ लगी हैं। ये हमारे बचपन के टाइम का पेड़ है एक्चुअली। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं कीवी के खेत में। कीवी की एक अलग से ही वीडियो बनाई थी, जो फर्स्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट वीडियो थी माउंटेन फैमिली की, तो वो कीवी की ही थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप आई बटन में क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो ये रहे, यहाँ पे फ्रूट की सेटिंग हो चुकी है, कीवी के फ्रूट्स सेट हो चुके हैं, और ये छोटे छोटे जो है कीवी के फ्रूट्स निकल आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है कीवी के फ्लावर्स हैं, ये कीवी के फ्रूट्स जो हैं ये मैच्योर होंगे दिवाली दशहरे के टाइम तक, सितंबर अक्टूबर के टाइम का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पे ये फ्रूट्स जो है फुल्ली मैच्योर होते हैं खाने के लिए, तो उस टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इसी के साथ में है कीवी का मेल प्लांट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रूट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स है। फ्लावर्स भी झड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका काम ख़त्म हो चुका है और पॉलिनेशन पूरी हो चुकी है। यहाँ पे एक फ्लावर जो है वो आपको दिख रहा होगा। इनकी कीवी के फ्लावर्स की खास बात बताऊँ तो कीवी के फ्लावर्स में बहुत ही सुंदर स्वीट सी मधुर सी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। तो अगर आप जब फ्लावरिंग होती है तो उस दौरान में कीवी के प्लांट्स के पास आएंगे तो बहुत ही शांति फील होती है। और ये है मेल प्लांट, और इसी के साथ में जहाँ जो आपको फ्रूट्स वाला दिखाया था वो है फीमेल प्लांट। तो मेल और फीमेल प्लांट का ऑर्चर्ड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए मेल बहुत ज़रूरी होता है। हमारे फार्म में एक और अच्छी चीज़ लगाई गई है, वो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो ये है लहसुन। लहसुन की खेती भी की है तो पापा ने लगाए ये लहसुन के प्लांट्स, और इस तरह से रख के इसको सुखाया जा रहा है, इसकी सीजनिंग हो रही है एक्चुअली, क्योंकि लहसुन को सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये खेत से लाके मिट्टी में ही है, ये ऑलमोस्ट मिट्टी से लाके अब इनको सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। फाइनली हमारे ऑर्चर्ड का टूर अब फिनिश होता है। तो ये थे हमारे ऑर्चर्ड के प्लांट्स। तो एक बात बोलूँ तो मम्मी और पापा दोनों को ही प्लांट्स का, फ्रूट्स फ्लावर्स दोनों का ही बहुत शौक़ है, तो ये सारे प्लांट्स उनकी मेहनत का नतीजा है। तो ये था हमारे ऑर्चर्ड का एक टूर। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस किस को पसंद आया, और किस किस को कौन कौन से फ्रूट्स पसंद हैं, या किसने कौन कौन सा फ्रूट्स खाया है या नहीं खाया है, या फेवरेट कौन सा है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या आपको लगता है कि हमारे ऑर्चर्ड में ये प्लांट भी होना चाहिए, मतलब यहाँ ठंड के इलाके का, तो वो भी बताएं। तो बाकी जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाएं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।